हेलो ऑल ऑफ यू, तुषार पाड़े दिस साइड अगेन। वापस आज शुरू करेंगे केस लॉस की सीरीज। अब तक हमें दो केस लॉस कवर कर लिए, आपको मालूम होंगे, केस लॉ नंबर 1 एंड 2। केस लॉ नंबर 3 आज देखेंगे, लेकिन केस लॉ का पैटर्न थोड़ा चेंज किया मैंने। आज चेंज आपकी डिमांड पर ही किया है। कई बच्चों के मुझे मैसेज और कमेंट आए थे उस यूट्यूब के लेक्चरों में नीचे में, और बच्चों ने मुझे बोला कि सर केस लॉ तो पसंद आ रहा है, लेकिन दिसंबर और जून एग्जाम में लास्ट दो अटेम्प्ट में बोर्ड नोट पे क्वेश्चंस आए, वो भी सर 2-4 मार्क के नहीं, 8 मार्क के बोर्ड नोट। अब ये बोर्ड नोट क्या होता है, पहले तो समझ लो बोर्ड नोट होता क्या है, फिर समझ लेंगे। बोर्ड नोट ऐसा होता है बच्चों, जब आप सीएस बनोगे 2 साल में 3 साल में, जो भी आपका समय आपको लगता है, जब सीएस बन जाओगे एंड व्हेन यू गो फॉर अ जॉब इन अ कंपनी, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके एमडी स्पेशली आपसे कुछ ओपिनियन लेंगे, आपसे कुछ पूछेंगे। जैसे लेट से किसी डायरेक्टर को निकालना है, निकालना है मतलब क्या, निकाल देंगे, ए चल निकल बाहर, ऐसे नहीं होता है। निकालने का तरीका होता है, पहले हम उनको क्या देंगे, नोटिस सर्व करेंगे, मेंबर्स को बुलाएंगे, जनरल मीटिंग होगी, उस पर एक अमेंडमेंट भी आया है, वो मैं आपको शाम को कवर कराऊंगा या अगले दिन, कल कल परसों में आप एक अमेंडमेंट देखिएगा, नया अमेंडमेंट जो आया है। तो एक तरीका होता है निकालने का किसी डायरेक्टर को, ऐसे नहीं बोल सकते चल निकल बाहर, ये लेटर ले चल बाहर, ऐसे नहीं होता है, ये तरीका बहुत गलत है। तो एक प्रॉपर तरीका होता है। अब वो तरीका क्या है वो आपको पता है, क्या आपके एमडी को पता है, क्या आपके डायरेक्टर को पता है? अच्छा, अब आपके डायरेक्टर ने और एमडी ने, इमेजिन करो, विजुलाइज करो अपने दिमाग में, एक बोर्ड रूम है और बोर्ड रूम में एमडी और बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, एंड दे कॉल्ड यू कि आओ, और आके क्या पूछते हैं कि बताओ इस बंदे को हमको निकालना है, कैन वी रिमूव हिम, या फिर लेट से उन्होंने पूछा कि हमको बायबैक करना है 30%, कर सकते हैं क्या? आपने बोला हाँ 30% करो, 40 करो, एमडी वाला 50 करना है 50 कर लो सर। फिर एमडी ने पूछा कि सर इसको डायरेक्टर निकालना है, आपने बोला हाँ निकाल दो, झूठ बोल रहे हैं सब आप। बायबैक कितना हो सकता है एक साल में? 25%, वो भी मेंबर से पूछकर, बोर्ड से पूछकर तो 10%। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें जो आपको लॉ पढ़ी है आपको पता है, बट आप झूठ बोल रहे हैं, ये शायद आपको लॉ समझता ही नहीं है। कैसे तो भी पास हो गए, बस पास हो गए, अब सीएस बन गए, पास भी हो गए, जॉब कर रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, एमडी पकड़ लिया आपको, झूठ बोल रहे हो, एमडी क्या बोलेगा, लिख के दो कि बायबैक 50% कर सकते हैं, लिख के दो कि डायरेक्टर को निकाल सकते हैं, ऐसी लिख के दो। अब लिख के देने से क्या होगा, आप फंस जाओगे। अभी तो आप झूठ बोल रहे थे, एक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, बट जिस भी आप सही बताओगे, 25% बायबैक हो सकता है विद बोर्ड अप्रूवल, मेंबर्स अप्रूवल, 10% बायबैक हो सकता है विद बोर्ड अप्रूवल, जो जो भी आप बोलोगे, लॉ बोलता है, बीओडी बोलता है लिख के दे, मुंह से मत बोल, ओरली बोलेगा। अभी तो क्या बोल देगा, हाँ कर सकते हैं, बाद में क्या बोलेगा, आई एम जोकिंग मामा मिया, आई एम जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। सर आपके मजाक में कंपनी तो फंस गई ना, कंपनी के तो लग गई पेनल्टी 1 लाख 5 लाख। लॉ बोलता है सर ऐसे फालतू बातें मत करिए, जो बोल रहे हैं लिख के दीजिए। तो अब बस यही टॉपिक है हमारा, लिख के दीजिए। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बोर्ड नोट। तो एज ए सीएस आपको ये बोर्ड नोट बहुत बार पूछे जाएंगे, एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, और जब आप सीएस बनोगे तो आपको वो एग्जाम में बोर्ड नोट लिखने होंगे। कैसे लिखोगे बोर्ड नोट, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले जानना होगा कि केस क्या होता है। तो एग्जाम में आपको आएगा, और प्लीज माइंड दिस विल नॉट कम फॉर 2 और 4 मार्क्स, इट विल डेफिनेटली कम फॉर 6 और मोर, नॉर्मली आई हैव सीन इट फॉर 8 मार्क्स, अच्छा बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो कैसे आएगा और क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो आज का केस लॉ नंबर 3, जिसको हम लोग केस लॉ तो नहीं बोलेंगे, बोर्ड नोट ही बोलेंगे, ठीक है। क्या है देखिएगा, सबसे पहले आप देख सकते हो एक एमडी कंपनी का, ठीक है, एमडी के बारे में गाली मार रहे थे, एमडी आ गया, चलो एमडी कंपनी का, और एक कंपनी, वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उस बंदे का, उस कंपनी का एक एमडी है। अब इस एमडी को क्या करना है, कंपनी से एक फ्लैट परचेस करना है, परचेस कर भी रहा है। अब उस फ्लैट की कीमत है 40 लाख, ठीक है, तो कंपनी चाहती है कि अपने एमडी को एक फ्लैट बेचे, एमडी भी चाहता है कि कंपनी से एक फ्लैट ले ले, लेट से कंपनी डीएलएफ है। अब डीएलएफ का तो पर्पज बिजनेस ही क्या होता है, रियल एस्टेट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है, टावर बनाती है और बेचती है। लेट से अभी कंपनी ने रो हाउस बनाया, बंगलो बनाया, और एमडी को लेना है कितने रुपए में, लेट से 40 लाख में, अमाउंट छोटे रखते हैं पर समझने के लिए, 40 लाख में लेना है। अब इतने पैसे एमडी के पास है नहीं, तो एमडी ने क्या बोला, एमडी बोलता है सर देखो प्रॉपर्टी कितने की है, 40 लाख की। बोले हाँ, तो प्रॉपर्टी की कीमत 40 लाख की है, एक काम करता है मैं आपको देता हूँ अभी 20 लाख रुपए। तो व्हाट एमडी डज, ही गिव्स कंपनी, ही सजेस्ट टू कंपनी दैट ही विल बी अलाउड टू गिव 20 लाख रुपीज राइट नाउ। तो उसे 20 लाख पूरे क्या कर दिए फिलहाल, तो कंपनी को दे दिए,
40 में से 20 दिए, 20 लाख के लिए क्या बोलता है, 20 लाख बच्चे जो है वो क्या बोलता है कि मैं कब पे करूंगा, ही सजेस्ट या ही रिक्वेस्ट कि वो जो 20 लाख रुपया वो कैसे पे करे, वो पे करे इंस्टॉलमेंट में। उससे बोला मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, तो टोटल 40 लैक्स, 20 लाख एडवांस और 20 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट, वो भी कितने इंस्टॉलमेंट में, 40 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, यहाँ पे लिखा आप देख सकते हो ना, 40 इंस्टॉलमेंट में पे करने की बात हो रही है। पंगा कुछ और है, नीचे वाला पैराग्राफ पढ़िए अच्छे से। ठीक है, अकाउंट्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो ऑब्जर्व क्या करता है, दैट इट विल टेंट अमाउंट, मतलब इट विल अमाउंट टू प्रोवाइडिंग हाउस बिल्डिंग, दैट इज जो भी आपका अमाउंट है हाउस बिल्डिंग एडवांस टू द एमडी व्हिच इज नॉट कवर्ड बाय द रूल्स ऑफ द कंपनी। मतलब अपने एमडी को एडवांस देना, वो भी घर के लिए, क्योंकि 20 लाख रुपए जो कंपनी को एमडी नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये इट्स लाइक एडवांस। ऐसा मानो कि वो एमडी ने पैसा 20 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, तो बैंक से ना लेते उससे पैसा कहां से ले लिया, कंपनी से ही, तो ये एडवांस हमारे तो हुआ। बींग अ कंपनी सेक्रेटरी, मेन लाइन देखो, बींग अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी यू हैव बीन आस्क्ड बाय द बीओडी टू एग्जामिन एंड सबमिट अ नोट स्टेटिंग द रूल्स इन दिस रिगार्ड एंड एक्शन टू बी टेकन। तो कंपनी आपसे क्या मांग रही है, एक नोट मांग रही है, बीओडी आपसे एक नोट मांग रहा है, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, सिंपल। तो क्या आंसर देंगे आप, मतलब आंसर कैसे लिखेंगे, रादर आंसर तो क्या देंगे, तो ठीक है लिखेंगे कैसे, देखो वहां पे मैंने ऊपर में लिखा हुआ आप देख सकते हो, नोट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एमडी, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एमडी फॉर परचेज ऑफ द फ्लैट, हाउ विल राइट आंसर देख सकते हैं आप लोग। मिस्टर एम जो एमडी है कंपनी का, अप्लाइड फॉर द परचेजिंग ऑफ अ कंपनी फ्लैट, द फ्लैट फ्लैट प्राइस इज 40 लाख रुपीज, जिसमें से एमडी 20 लाख रुपए दे रहा है। इंग्लिश है, कोई लॉ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में लिखना है आपको प्रॉपर, एक प्रॉपर फ्लो में। पैराग्राफ टू जो मेन है, द कंपनी हैज नो स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ हाउस, दैट्स ओके। ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट इन द केस ऑफ फिडई, ठीक है, आडेश्वर मेहता, इस केस में बहुत पुराना केस है, 1991 का, मतलब 25-26 साल पुराना केस है। इस केस में क्या हुआ था, केम टू द कंक्लूजन दैट द कंपनी सेलिंग, लास्ट लाइन देखिएगा अच्छे से, कंपनी सेलिंग वन ऑफ इट्स फ्लैट टू डायरेक्टर ऑन रिसीविंग हाफ प्राइस इन कैश एंड अग्रीइंग टू एक्सेप्ट द बैलेंस डज नॉट अमाउंट टू गिविंग लोन टू डायरेक्टर। आखिरी तीन वर्ड ध्यान रखिए, लोन टू डायरेक्टर, सेक्शन 185, सेक्शन 185 अगर होता तो लोन देना अलाउड नहीं है डायरेक्टर को, तब फंसते। बट कोर्ट ने भी एक जजमेंट में बोला हुआ है कि सर हाउसिंग एडवांस देना ये नॉर्मल स्कीम में है या नहीं है डजंट मैटर, एमडी एक्सेप्शन में आते हैं। इफ यू गिव दैट एडवांस टू एमडी इट अमाउंट्स टू एक्सेप्शन एंड दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये नोट लिखिए, ये लाइन लिखिए, सेक्शन 185 भी लिख सकते हैं आप, लिखना चाहिए भी, एंड दैट्स इट। आखिरी में लाइन, सो इन द अबव व्यू, इन द व्यू ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट विच इज नॉट करेक्ट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन सही था, उनकी नीयत साफ है, बट सर कंपनी के एमडी की भी नीयत गलत नहीं है, वो बोल रहा है सर मैं जो कर रहा हूँ बहुत कॉमन चीज़ है, स्कीम नहीं है तो क्या हुआ, स्कीम बन सकती है और एमडी को तो मिलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे बोला कि फ्लैट मुझे मिल जाए एंड इट विल नॉट बी अमाउंटेड एज हाउस बिल्डिंग एडवांस, नहीं मिलना चाहिए, और कंक्लूजन दे दीजिएगा एज सच बीओडी मे लाइक टू एग्री विद द रिक्वेस्ट ऑफ एमडी। सो अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मे लाइक, मे मतलब यहाँ पे क्यों बोला गया है, बीओडी एमडी की रिक्वेस्ट दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर सकता है। आप नोट किसके बिहाफ में लिख रहे हो, बीओडी की कि एमडी के, आप लिख रहे हो एमडी के बिहाफ में, तो एमडी के बिहाफ में आप बोर्ड को क्या समझाओगे कि आप एमडी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हो, मे एक्सेप्ट, मे लाइक, कंपल्सरी बोलना मत क्योंकि कंपनी के नियम डिपेंड करेंगे, आप सिर्फ ज्ञान दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, और आखिर में ये बंद ऐसे करेंगे हमेशा, सबमिटेड बाय वॉट एवर यू नेम एंड नीचे में कंपनी सेक्रेटरी। कोई केस तो नहीं था, नो कंक्लूजन हैंस इन द प्रोविजन, ऐसा कुछ लिखना नहीं है, प्रॉपर एक केस तो समान आपने आंसर लिखना है, एंड दैट इज हाउ बोर्ड रिपोर्ट इज रिटन। तो ये एक फॉर्मेट है बोर्ड रिपोर्ट का, एग्जाम में कुछ भी आया आप देखो फॉर्मेट फॉलो करो, कंटेंट तो सर आपको नॉलेज से ही मिलेगा, तो नॉलेज लीजिए, कंटेंट आपको उसी से मिलेगा। फॉर्मेट ऐसा रहेगा, इंट्रोडक्टरी रिमार्क, बॉडी, और सबसे आखिरी में फिर आपका कंक्लूजन, और नीचे में एक नोट कि कंपनी की तरफ से हम सीएस बोल रहे आंसर, दैट्स इट। इतना अगर आप कर लेंगे तो एक नोट लिख पाओगे 6 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए एंड यू गेट गुड मार्क्स, दिस इज हाउ योर प्रॉपर नोट हैज बीन रिटन इन द एग्जाम। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस, ये एग्जाम में नॉर्मली आएगा और आपको आना चाहिए, राइट, दैट्स इट। अगेन इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो इन द ऑप्शन गिवन बिलो इन द वीडियो, ऑल्सो इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मोर एंड मोर वीडियोज वेन एवर आई विल अपलोड यू विल गेट द बेनिफिट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे, दिस इज केस लॉ कम अ बोर्ड रिपोर्ट, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस थिंग,
और अगर आपको सच में पसंद आया ये चीज़ तो प्लीज़ सर्कुलेट करें, कई लोगों को बताएं, सो दैट उनको भी फ़ायदा मिले और अगले बार एग्जाम में आप 6 मार्क्स 8 मार्क्स स्कोर कर पाओ. राइट, सो वी स्टॉप हियर टुडे. अगले बार वापस मिलेंगे कुछ नया केस लॉ लेकर, इंटरेस्टिंग केस लॉ लेकर. तब तक के लिए पढ़ते रहे. थैंक यू.